व्हीलचेयर पर बकायदा दुल्हन के कपड़े पहन ये है विराली मोदी। विराली ने हाल ही में 16 अक्टूबर को शादी की थी। इस तस्वीर में रूपाली अपने पति के साथ साथ अपने परिवार के लोगों के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर नजर आ रही होगी। एक तस्वीर में तो विराली अपने पति के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बकायदा पोज भी देते नजर आ रही है। लेकिन इस सबके बीच एक और तस्वीर थी जो रूपाली ने अपने दिल में छिपा रखा था। हालांकि तस्वीर में सभी लोग हंसते खिलखिलाते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसमें विराली अंदर से बहुत ही दुखी थी। वाह रे सरकार, वाह रे सरकारी कर्मचारी, ना इमोशंस और ना ही किसी के इमोशन की कदर। सरकारी ऑफिस में खड़ी सीढ़ियां और उस पर लगी जंग, ऐसे में अगर कोई गिरेगा या कुछ होगा तो भगवान ही उसका मालिक होगा। खैर सरकार को क्या, अपना काम बनता सो काम बन भी रहा है, बस बचता है तो चुनावी मुद्दा जिसमें तरह तरह के वादे तो किए जाते हैं लेकिन काम के समय सब लापता हो जाता है। दरअसल रूपाली एक डिसेबल पर्सन है, वो ठीक से चल नहीं पाती इसलिए उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है। इसी बीच वो अपनी शादी के लिए मुंबई के खार रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंची थी। पूरी तैयारी के साथ अपने पूरे परिवार और ससुराल वालों को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी के लिए गई थी। वहीं मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए विराली को ऊपर बुलाया जाने लगा, लेकिन ये क्या, रजिस्ट्रार ऑफिस तो दूसरे फ्लोर पर था और उस बिल्डिंग में कोई भी लिफ्ट नहीं थी और ना ही ऐसी कोई सुविधा थी जिसकी मदद से विराली को दूसरे फ्लोर तक ले जाया जा सके। लाख अपील करने के बावजूद वहां के ऑफिसर्स नीचे नहीं आए ताकि विराली पेपर्स पे साइन कर सके, जिसके बाद थक हार कर विराली के परिवार वालों ने उसे जैसे तैसे व्हीलचेयर सहित ऊपर उठाकर ले गए। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार विराली दूसरे फ्लोर पर पहुंची और मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन की, जिसके बाद उनकी शादी पूरी हो गई। इसके बाद विराली ने एक इमोशनल पोस्ट किया जो देखते ही देखते वायरल हो गया। इस पोस्ट में विराली ने अपने साथ हुए बैड एक्सपीरियंस को शेयर किया, जिसमें उन्होंने सरकार समेत जिम्मेदार लोगों को जमकर लताड़ा है। एक डिसेबल पर्सन के लिए ना लिफ्ट और ना ही कोई ऐसी सुविधा दी गई थी जिससे वो आसानी से वहां तक जा सके, और तो और सरकारी कर्मचारियों का तो क्या ही कहना, और तो और डिसेबल लोगों के लिए कोई भी सुविधा का ना होना। विराली ने ये तक कह डाला कि अगर वो अपनी शादी के दिन वहां गिर जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। इसके साथ ही विराली ने सरकार से पूछा है कि क्या वो कोई सामान का टुकड़ा है जिसे एक जगह से उठाकर दूसरे जगह ले जाया जाए। ऑफिस में मौजूद सुविधाओं से उन्हें बहुत तकलीफ हुई है, आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया था। विराली ने कहा कि वो भी भारत की नागरिक है, उन्हें भी बराबरी का अधिकार है। हालांकि विराली के पोस्ट पर महाराष्ट्र के बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने रिप्लाई किया, जिसमें उन्होंने विराली को शादी की बधाइयां देते हुए लिखा था कि तकलीफ के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन आगे इस बात का ध्यान रखा जाएगा और साथ ही इसके लिए एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।